हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमन फूड स्टाइल। आज हम आप लोगों को बताएंगे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसके लिए हमने 5 आलू को हमने छीलकर धोकर रख लिया है। अब इसे हम एक कटर लेंगे और एक आलू को लेकर इसमें हम इसी तरह से घिसते जाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से सारे आलू को घिस कर रख लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। हम सारे आलू को ग्रेट करके रख लिए हैं। देखिए, इसी तरह से ग्रेट करके रख लेना है और इसे हम 2-3 पानी में धो लिए हैं। सारा पानी हम निचोड़ दिए हैं। इसी तरह से हमें आलू को कट करके धो करके रखना है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इससे आलू को हम जो ग्रेट किए थे आलू, इसको हम रखेंगे इसमें। हमने 4 बड़े साइज प्याज को छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। अब इसे हम डालेंगे। आलू में प्याज डालकर बनाने से पकौड़ी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होती है। अब हम डालेंगे इसमें 5-6 हरी मिर्च है, इसे हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसे डालेंगे हम। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी हमने ग्रेट से रगड़ कर रख लिया था। अब इसको हम डालेंगे। हम लहसुन को बारीक कूट लिए हैं, इसे हम डालेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, जो कि वजन में 200 ग्राम है, इसे हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आप इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे। अब हम डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, जब पानी की जरूरत होगी तभी हम मिलाएंगे। आलू थोड़ा मॉइस्चराइजर है, गीला है, इसलिए हम पानी नहीं डालेंगे। जरूरत होगी तो हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इसे हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं एकदम। ये पकौड़ी बनाने के लिए अब एकदम रेडी है। इसी तरह से बना कर रख लेना है। अब चलिए, हम आगे दिखाते हैं। हम गैस को जलाकर कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल है। हम तेल को डाल दिए हैं। अब तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पकौड़ी तलने के लिए तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम छोटे छोटे बॉल्स डालेंगे। हमने सारे बॉल को डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। इसे अब हम हल्के हाथों से एक बार इसे हम हल्के से इसी तरह से घुमा देंगे। जब एक तरफ लाल हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ उलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सबने बेसन प्याज की पकौड़ी बहुत बनाकर खाई होगी। एक बार इस तरीके से अपने घर पर जरूर बना कर खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को। तो देखिए, एक तरफ फ्राई हो चुका है, अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। पकौड़ी फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल कर बाहर रख लेंगे। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनी है। अब इसे हम बाहर रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पकौड़ी को बनाकर रख लिया है। अब इसे चाय के साथ हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब इसे एक बार अपने घर पर जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।